एग्जाम में आसान तरीके से देखिए वो क्वेश्चन लाए हैं, वर्क एंड टाइम, समय तथा कार। बहुत इजी मेथड से, बहुत एक ही मेथड से सारा ये हम इस क्वेश्चन में जितने टाइप होंगे सब आपको बताएंगे, एक ही तरीका, एक ही टाइप से बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे और उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से। टाइप बाय टाइप जितने टाइप होते हैं हम आते हैं आज डिस्कस करते हैं, देखिए कैसे हम कितने आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला टाइप मेरा फर्स्ट टाइप है, जब देखिए टाइप फर्स्ट पहला क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी जो काम करते हैं किसी काम को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, कह रहे हैं दोनों मिल जाएं तो इस कार को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप जो है एलसीएम मेथड से आप लगाएंगे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से होगा एकदम। तो यहाँ पर देखेंगे आप बिल्कुल ऐसे क्या कर लीजिए, ए कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन कर रहा है, 6 लिख लीजिए। बी कितने दिन काम कर रहा है अकेला, बी 12 दिन कर रहा है, आप ऐसे कर लीजिए। और इसका एलसीएम आप जानते हैं इन दोनों का 12 ही होता है, चाहे 12 ले लीजिए चाहे 24 ले लीजिए, ऐसा कोई संख्या लीजिए जो इन दोनों को काटने से भाग देने से वो कट जाए, कुछ भी ले लीजिए। तो हम यहाँ पर 12 लेते हैं, हमें पता है 12 एलसीएम होगा। तो अब देखिए एक ऐसे कर लीजिए, इसका पहाड़ा पढ़िए जितनी बार आएगा 12 में उतना लिखेंगे, 6 दूना 12, 2 बार जा रहा है अब 12 एक कम 12 एक बार आ रहा है सैंपल से। अब देखिए कह रहा है दोनों मिल जाए, मिलने का मतलब एक एक दिन का काम यही दोनों कर रहे हैं, तो एक एक का काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 2 और 1 को जोड़ लेते हैं, 2 1 को जोड़ते हैं हमारा क्या हो जाएगा 3, पूरा यूनिट काम ये एक दिन का यूनिट निकला है, एक दिन का निकला है कितना 3, तो ये 12 दिन में कितना होगा हम जानते हैं, एक दिन का पता हो जाता है तो हम पूरे वाले में उतने से भाग कर देंगे वो मेरा पूरा आ जाएगा काम। तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी जब दोनों मिलेंगे उस कार को कितना करेंगे, ये पूरी यूनिट को लिखिए यहाँ पर क्या है 3। क्या देखिए बहुत सिंपल मैथड से 3 एकम 3 3 4 12 कितने दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा 4 दिन में। देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। और एक दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उस पर इसी तरीके से बात करते हैं देखते हैं। चलिए देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वही टाइप का है, देखिए वही कह रहा है ए और बी किसी कार को क्रमशः 8 तथा 24 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब जब दोनों मिल जाएं किसी काम को। देखिए बिल्कुल वही मेथड है, बिल्कुल सेम है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कहिए ए कितने दिन का काम कर रहा है 8 दिन में और बी कितने दिन में काम कर रहा है 24 दिन में, इनका एलसीएम ऐसी कोई संख्या लीजिए जो इन दोनों से काटने पर वो कट जाए, कोई भी संख्या हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 ऐसी संख्या होती है जो 8 के पहाड़े में और 24 के पहाड़े में आता है, 8 का 8 8 2 16 8 3 24 यहाँ 3 बार जा रहा है 24 एक कम 24, जिसके सामने पहाड़ा पड़ना है वहां लिख देना है, हमें एक दिन का पहले निकालना है, एक दिन का कितना हो रहा है प्लस करेंगे दोनों को मिल रहा है ना, दोनों का क्या कर रहा है दोनों मिल जाए तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट एक दिन में काम हो रहा है, तो 24 यूनिट कितने दिन में काम होगा, तो वही हम निकाल लेना है ए प्लस बी कितना है 24 है, अब भाग किससे देना है इस 4 से देना है, तो अब देखिए 4 एकम 4 4 6 24, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा 6 दिन में काम आपका पूरा हो जाएगा, यही करना था ज्यादा कुछ नहीं। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, देखिए फिर से वही क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम बात करते हैं बिल्कुल सेम है यही टाइप है, इसको जान लीजिए समझ लीजिए उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे कमेंट पर इसका आंसर दीजिए, जो सबसे पहले इसका आंसर बोलेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में इसका नाम लिया जाएगा वो कौन है। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, इनका एलसीएम ऐसा कौन सी संख्या आएगी जो इन दोनों से कट जाए, हम जानते हैं क्या आता है 60 60 के पहाड़े में 12 भी आता है 15 भी आता है, 12 12 पंजे 60
और 15 चौका 60। अब दोनों मिल जाए, यानी दोनों की बात कर रहा है मिल जाए, तो एक दिन का यूनिट निकाल लीजिए, 5 4 9, 9 यूनिट हो जाएगा। अब ये पूरा 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा वही हम लिखेंगे, ए प्लस बी कितना है यहाँ पर 60 है, भाग किससे देना है 9 से। तो जानते हैं 3 3 9, 3 2 6, 20/3 आ गया है। अब बटे में आ गया, सही बटे में इसका आंसर देना है, तो देखिए कैसे सही बटा निकालते हैं हम, 3 से भाग करेंगे, 3 6 18, शेष फल क्या आया 2। तो हम कहेंगे देखिए कैसे लिखेंगे, पहले हम 6 को लिखेंगे, फिर सही का निशान लगाएंगे, क्या है 2, 2 को ऊपर लिखेंगे, जो भाग होता है उसको क्या लिखते हैं नीचे, यही आपका आंसर हो जाएगा इतने दिन में समाप्त। एक क्वेश्चन आपको यहाँ बदल रहे हैं, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका है 10 और ये आपका है 15, तो आप बताइएगा दोनों मिलकर उसके कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब हम टाइप नेक्स्ट, ए बी और सी तीन व्यक्ति जैसे काम करेंगे वो कैसे सॉल्व करना, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए अब हम लाते हैं, देखिए पहले 2 आदमी थे काम कर रहे थे, अब वही काम 3 आदमी करते हैं, तो बिल्कुल सेम मेथड आपका वही रहेगा, बिल्कुल सेम वैसा रहेगा और कुछ नहीं, ज्यादा चाहे जितने आदमी काम कर रहे हमें हल उसी टाइप का करना। देखिए कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में 15 दिन में 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि तीनों मिलकर इस काम को करें, तो देखिए बिल्कुल सेव और एकदम आसान मेथड है। तो देखते हैं कैसे, ए कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में, और बी कर रहा है कितने 15 दिन में, और सी कर रहा है आपका कितना, सबको ऐसे लिख लीजिए। तो इनका एलसीएम जो होगा हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, जो देखिए 10 15 18 का एलसीएम आपका क्या होगा ये आप बताइए। देखिए ये 90 से कट जाएगा, कुछ भी ले लीजिए, 180 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर हम जानते हैं 90 भी 180 भी ले लेंगे आप तब भी आपका आंसर वही है, 270 ले लेंगे तब भी आपका आंसर वही होगा, आप चेक कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो 10 के पहाड़ 90 बार पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 10 9 90, 15 के पहाड़ 90 बार पढ़ेंगे कितने बार जाएगा, 15 8 कितना होगा, 15 6 60, 15 6 90, तो 6 बार जाएगा। 18 का करेंगे तो कितना जाएगा, 18 5 90। तो यहाँ पर देखिए सबका हमें एक दिन का यूनिट पता हो गया, एक दिन का काम पता हो जाएगा, तो मेरा सारा मान क्या हो जाएगा पता। तो देखिए तीनों मिलने कर बात कर रहे हैं ना, सबको मिला लीजिए आप, तीनों को जोड़िए कितना होगा, 9 6 15 15 5 20, तो यहाँ पर आपका आया 20। तीनों का काम जब मिल जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये जो 20 आया है एक दिन का यूनिट है, हमें 90 यूनिट काम कराना है, 90 में से यही 20 को क्या कर दीजिए भाग, तो ये कट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तो 9 का आधा हो जाएगा 4 सही 1/2, मतलब 4.5। ये देखिए 4.5 दिन में आपका आंसर ये काम को पूरा कर लेगा। अब हम ये क्वेश्चन आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फिर वही एक क्वेश्चन लेकर आते हैं वह उसी टाइप का। देखिए ये भी वही है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 15 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल आसान है, कोई भी सीखेगा, कोई भी लगा सकता है, बट तरीका देखिए एकदम सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ए काम कर रहा है आपका कितने दिन में, 20 दिन में, सब नोट करिए। और क्या कहता है, अब बी कितना कर रहा है 12 दिन में, 15 दिन में कह रहा है, और सी कह रहा है 12 दिन में, सारा नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों से भाग देने पे कट जाए, तो हम जानते हैं 60 के पहाड़े में ये तीनों आते हैं, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 60 होगा, तो 20 तिहाइयां 60, 15 चौका 60, अब 12 पंजे 60, तो ये आ गया। अब क्या करना है,
इनका एक दिन का यूनिट यही वाला निकला है जो साइड में, तो इनको सब में तीनों मिलकर बात कर रहे हैं, तो तीनों को मिला दीजिए और यहाँ पर इसको टोटल कर लीजिए, 4 3 7 7 5 12, तो यहाँ पर 12 ये हो जाएगा एक दिन का यूनिट, कितने दिन का, वन डे। तो याद रखिएगा 12 यूनिट पर डे, 12 यूनिट पर डे कर रहे हैं, तो देखिए 12 5 60 हो गया ना, 60 यूनिट समझ, मतलब 5 दिन में खत्म। तो उसे निकालने के लिए कैसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल यूनिट था कितना, 60, तो ये लोग एक दिन में यूनिट करते हैं 12, तो इस 60 में 12 से भाग कर दीजिए, 12 1 12 12 5 60, ये देखिए 5 दिन में मिल जाएंगे ये सब, तो उस काम को 5 दिन में समाप्त कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम पलट रहे बदल रहे हैं, वो आप लोग करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग कर दे रहे हैं, उसी में आपको बताना है। तो यहाँ पर 12 दिन 15 दिन और 10 दिन, तो इसको आप लोग का आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है। देखिए अब वही क्वेश्चन है ए बी सी वाला, बट इसमें एक लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, करना तो सब वैसे ही आसान से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल देखिए क्वेश्चन को घुमा रहा है, बस क्या कर रहा है, घुमा रहा है और आपसे पूछ वही रहा है। देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल वैसे ही लिखिए, टेंशन मत कीजिए। ए तथा बी मिलकर, मिलकर कह रहे हैं, यानी ये कहना चाहता है ए प्लस और बी मिलकर उस काम को 20 दिन में, पहले अकेले अकेले करते थे, अब मिलकर, कहने दीजिए। उसके बाद कह रहा है सी और ए मिलकर, सी और ए मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में, कहने दीजिए 12 दिन। उसके बाद हमसे कह रहा है बी तथा सी मिलकर, बी तथा सी मिलकर बोलने दीजिए कितने दिन में, 15 दिन में आपका क्या हो रहा है, समाप्त कर रहा है। तो याद रखिएगा, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसका एलसीएम बताइए आप, इसका एलसीएम ऐसा क्या है जो हम इसे सॉल्व कर ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम 60 होगा। तो ये देखिए आपको कैसे करना है, तो ये देखिए 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, 60 आ जाए, 20 के यहाँ 60 और 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़े, 12 5 60 और यहाँ पर 15 4 60। अब देखिए ये तो आ गया, अब ये ए प्लस बी का एक दिन का काम, सी प्लस ए का पांच एक दिन का काम, बी प्लस सी का एक दिन का काम, तो इन सब को टोटल कर लेते हैं। पहले इसको हम जोड़ते हैं, 5 3 8 8 4 12 यूनिट काम होगा कितने पर डे, एक दिन में 12 यूनिट काम आपका होगा। तो यहाँ देखिए इन सब को भी तो जोड़ना है, जब उधर जोड़ लिए तो यहाँ पर देखिए इन सब को जोड़ लेते हैं, ए प्लस बी, फिर क्या है सी प्लस ए, फिर क्या है बी प्लस सी, एकदम सिंपल सबको जोड़ा, तो यहाँ हमारा कितने यूनिट है बचे, कितने यूनिट 12। तो यहाँ पर देखेंगे ए एक बार यहाँ पर, यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 2a, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है 2b, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है 2c बराबर 12। तो दो कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2, 2 1 2 2 6 12। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन, ये तीनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 6, तो कुल यूनिट कितना है, क्या कहते हैं 60। तो आप क्या कर दिए, इस 60 को लिखिए बटे इस 6 से भाग दे दीजिए, 6 10 60, तो 10 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखिए वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, खाली डिजिट को हमने बदल दिया है। अब यहाँ पर देखिए बात तो वही कर रहा है, हम आगे वाले स्टेप में आपको बता चुके हैं, जब दोनों मिलकर काम हो जाएंगे तो जो 2 कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस बी का काम आ जाएगा। अब देखिए वही हम काम आसानी से जल्द से करेंगे, कैसे करेंगे, और देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं,
हम पहले कह रहा है ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में। फिर कह रहा है सी प्लस ए कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। उसके बाद कह रहा है बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। इन सब का एलसीएम क्या होगा आप बताइए, इन सब का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा संख्या है जो इन सब से कट जाए। देखिए 15, 60 जो है कट जाएगा, तो 8 से देखते हैं 60 कटेगा, तो यहाँ पर देखते हैं 8 63 नहीं कटेगा 8 से, तो हम क्या करेंगे 120 लेंगे, 120 करेंगे 15 2 30 15 3 45 15 4 60 15 5 75 15 6 90। तो हम 120 लेते हैं, 120 इसको काटता है कि नहीं काटता देख लेते हैं, 8 1 8 यहाँ पर 4 बचा 0, 8 5 40 मतलब ये काट देगा 120 को ना, तो हम यहाँ और 15 भी कट जाएगा 120 से, देख लेते हैं 120 15 कटता है, 15 6 60 75 15 6 90 105 120 हाँ कट जाएगा। तो देखते हैं कैसे 120 बार हम इसको लेके जाएंगे, इसका एलसीएम निकाल लेना है कितनी बार ये कटेगा, 15 बार 8 1 8 8 5 40 कट गया, 20 देखेंगे 12 कटेंगे 10 बार जाएगा, 15 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 12 का किया तो इतनी बार, 15 का कितनी बार करेंगे पहाड़ा, तो हम जानते हैं 6 बार देखते हैं 5 6 30 6 कम 6 तो और मिल जाएंगे हम कितना 12 देख लेते हैं ऐसे 15 में काटते 15 15 8 120 होता है आप जानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया 120 15 8 120। अब देखिए सभी में यूनिट क्या करना है, हमें हमें इसको जोड़ लेना है, तो आप जानते हैं 2 कॉमन आ जाएगा सब में, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन की बात कर रहा है, देखिए इसको टोटल एक दिन पहले जोड़ ले कितना हो जाएगा, 15 10 25 25 और 8 कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 8 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इसके नीचे जाएगा a प्लस बी प्लस सी 33/2। अब हमें किसमें यूनिट काम करवाना है, इसमें करवा देना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 120 में हमें इसको क्या करते हैं घटाते हैं 33 गुड़े तो यहाँ पर देखिए 3 से काटते हैं 3 1 3 3 1 3 और 3 4 12 और यहाँ पर हो जाएगा 40 2 80/11। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, इसको हम भाग करके चेक कर लें, इसको सही बटन में जो आएगा वो मेरा आंसर होगा, 180 में 11 से जो है काट दीजिए, 80 में 11 से भाग दीजिए कैसे हो गया 11 7 77, यहाँ पर क्या 10 10 में से 3 जाएगा, 10 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ ये कैंसिल, तो हम लिखेंगे इसको सही बटा में लिख देंगे 7 सही 3/11 दिन में क्या होगा इस काम को पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा। अब हमें चले हमें अगले टाइप पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है क्या कहते हैं इसका वह जो है पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें नेक्स्ट टाइप बताएंगे। अब जैसा लगा आपको जो है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स पे आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों से भी बताइए, और सभी लोग जो है अच्छे से तैयारी कर लें, तो हमें बताइए और अच्छे से आगे और बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे, एक ही तरीके में पूरा वर्क एंड टाइम को क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे, फिर उसके बाद टाइप एंड टाइम की भी वही तरीके से सारा हो जाएगा आपका। अब ऐसे पूरा